नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट परोपकार। परोपकार की कहानी है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, और यह परोपकार क्या है, इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी साहब ने। तहजीब काजी साहब, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट परोपकार के भीतर। आपके द्वारा पुलिस का जो मूल मंत्र है जनसेवा देशभक्ति, उसे सार्थक किया गया है। आपने एक ऐसी घटना देखी और कहीं ना कहीं उसके बाद आपका दिलो दिमाग जो है संवेदनाओं से भर उठा, एक बालक की आपके द्वारा मदद की गई। क्या है कहानी ये इंदौर पुलिस की, हम आपकी जुबानी जानना और सुनना चाहेंगे। जैसा आपने बताया, देशभक्ति जनसेवा पुलिस का हमारा एक उद्देश्य रहता है। बिल्कुल सही। इसमें हम इंदौर पुलिस तो और जनता की सेवा सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, जी हम शुरू से हमने मान रखा है। और जैसा आप बता रहे हैं संवेदना से, तो हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि हम जो दुष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो वांट ऑफ हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको संवेदनाओं से सुने, उनके प्रति संवेदना रखें। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अभी जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग के दौरान मुझे एक युवक दो तीन बार देखने में आया था। उसमें ये देखा था कि वो, उसकी एक पुरानी टूटी सी साइकिल थी, उसको चलाते हुए बहुत तेज बार एक बार मेरे को क्रॉस किया। मैं पेट्रोलिंग जनरली धीरे ही करते मोटरसाइकिल से, तो मैं अपनी फोर व्हीलर में था, पेट्रोलिंग चल रही थी हमारी, वो क्रॉस करके निकला एकदम तेजी से। तो मुझे आश्चर्य हुआ, साइकिल से इसने इतनी तेजी से आगे जाके गया, तो उसको थोड़ा पीछा किया, मैंने वीडियो भी बनाया उसका। अंदर अचानक ही अंदर जो मेरे अंदर कुछ ऐसा रोम रोम खड़े हो गए मेरे, देखा कितनी मेहनत कर रहा है, धूप और पसीने में आदमी साइकिल से चलाते उसको देखा। फिर एक बार रात में देखा तो मैंने उसका वीडियो बनाया, फिर जी, जी। और फिर वीडियो बना उसका पीछा किया, वो इतने तेजी से था निकल गया जी। फिर जब वो गली में से वापस आया, मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको क्या है, इतनी मेहनत तुम करते हो, मोटरसाइकिल क्यों नहीं लेते। उसने अपनी आर्थिक समस्याएं बताई कि मेरा 5 लोगों का परिवार है, उनको पालने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, 250 से 300 रुपये मिलते हैं मुझे, तो मैं इतने में घर परिवार चला पाता हूँ, मोटरसाइकिल लेने की क्षमता नहीं है। और फिर अगर मोटरसाइकिल लेने का मैंने एक बार प्रयत्न किया था, बहुत मेहनत करके 20,000 रुपये इकट्ठे भी किए थे, पर वो गलत जगह मैंने दे दिए पैसे, इसकी वजह से मैं नहीं ले पाया। तो अब तो मैं साइकिल से ही सब करता हूँ, और मोटरसाइकिल तो एक तरह का सपना है मेरे लिए। बिल्कुल सही। और अमूमन देखा जाता है कि इंदौर पुलिस की बात हो या देश के हमारी किसी भी पुलिस की बात की जाए, तो वो ऐसी चीज़ों पर, इन छोटी बातों पर कहीं ना कहीं दूर दूर तक कई बार ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन आपका संवेदनशील हृदय, आप इससे पहले भी लगातार जनता के बीच काम करते नज़र आए, लोगों की जान बचाते नज़र आए, और कहीं ना कहीं आप ऐसे मानविक मामलों को काफ़ी करीब से देखते। क्या नाम है उस बालक का, उसके बारे में आपने बहुत सारी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है, किस तरह वो काम करता है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, और उसके लिए आपने किस तरह से एक अच्छा कलेक्शन करके उसे मोटरसाइकिल दिलाने का कोशिश। पहले हमने जब उसको देखा था, उसके अंदर देख के हमको जो संवेदना है, जो मानव में आती है, एक संवेदनशीलता आई थी देख के। पर चूंकि पुलिस से जुड़े हुए हैं, हमने पहले उसकी सब चीज़ देखी कि भाई वो सही लड़का है, अच्छा उसकी आवश्यकता है उसकी, ये क्या है। तो उसमें हमने देखा बर्फानी धाम पर रहता है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, वो पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा इसीलिए नहीं कर पाया कि उसके पिताजी, हाँ पिताजी उसके उसको छोड़कर बिजनेस या कुछ काम करने के लिए गए थे, तब से लौटे नहीं। तो माँ अकेली काम करती घरों पर जाकर, और फिर उसको देख के इसकी भी संवेदना जागी, इसने पढ़ाई छोड़ दी और ये माँ की हेल्प करने के लिए ये भी काम करने लगा परिवार को करने के लिए। सब चीज़ें देखने के बाद फिर पूरे स्टाफ ने ये डिसाइड किया कि अब अपनों को इसकी सहायता करना चाहिए। बहुत सुंदर। किस तरह मदद के लिए आपको अपने स्टाफ को राजी किया, एक दिन का सैलरी सभी स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा देगा? जैसे हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, ये लोग सब हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि हमको ड्यूटी तो करते ही हैं, पुलिसिंग के साथ साथ ऐसे भी काम, मानवीय काम करना चाहिए जिससे पुलिस की इमेज अच्छी बने। हमको जो ज़रूरतमंद है, जो आवश्यकता है जिनको है, उनकी हर संभव मदद करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी के संबंध में फिर हमने गणना में सब स्टाफ से बात की कि यार ऐसा लड़का है जिसकी करना, तो सब पूरा स्टाफ शहर से तैयार हो गया और सब ने फिर मिलकर इसकी सहायता की। बिल्कुल सही कहा आपने कि मदद जो है कई बार धन से तो होती है, लेकिन धन से ज़्यादा कई बार मन से होती है। और आपने एक मन बनाया और मन को बना के अपने स्टाफ के बीच में अपनी बात रखी और सभी को तैयार किया कि नहीं, इस बालक की हमें कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करना चाहिए, जिससे ये कष्ट में है, जिस तरह से लगातार साइकिल पर
फूड डिलीवरी कर रहा है और इतनी कड़ी मेहनत आज के दौर में यदि कोई युवा करता हुआ दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि हर किसी का जो दिल जो है पसी चल जाता है। मैंने भी नाम का जिक्र नहीं किया बालक के, आपके द्वारा भी अभी तक नाम का जिक्र नहीं किया, क्या नाम है उस बालक का, क्या आयु है, क्या किस तरह का सोच है उसका, क्या भविष्य भी आपको नजर आता है कि आपके मदद के बाद में वो इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाए। बहुत मेहनती लड़का है, जय हृदय नाम है उसका, 22 साल का है अभी। तो वो पढ़ाई भी मैंने जैसा पहले बताया था कि उसने इसीलिए छोड़ दी अपना घर परिवार करने के लिए, और अभी भी वो जब जैसे कल उसको साइकिल दिलाई हमने और कल शाम को ही वो बताने आ गया था कि सर मेरे को आज इतनी ज़्यादा डिलीवरी मिल गई और 1000 रुपये मैंने, उसने 1000 रुपये का करीब बताया, इस तरह उसके जमीन पर पैर टिक पा रहे हैं कि बिल्कुल आसमान पर, काफ़ी खुश है। और वो बहुत मेहनती, उसकी उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो देख के हम भी प्रेरित हुए थे कि भाई उसको हमको सहायता करना चाहिए, निश्चित ही वो करेगा आगे चल के। आपने इसमें एक और ट्विस्ट वाली बात ये रखी कि आपके द्वारा जो प्राथमिक राशि दी गई कर 50% की राशि दी गई और उसे भी कहीं ना कहीं आप उसके मन को ऐसा नहीं लगे कि पूरी की पूरी राशि देके मोटरसाइकिल दिला के उसके ऊपर कोई उपकार किया है। हाँ, हालांकि आपके द्वारा ये परोपकार किया गया है, आधी राशि आपके द्वारा दी गई है और आधी राशि उसे मोटिवेट किया गया है कि अब आधी राशि आप किस्त के माध्यम से नहीं भरे। हाँ, देखिए मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर दूँ, पुलिस ने उस पर कोई एक तरह से एहसान नहीं किया है, वो हमने उसको यही प्रयत्न किया है कि वो बहुत मेहनती था, उसकी मेहनती इच्छा शक्ति दृढ़ मेहनत जो उसकी देखकर पुलिस ने उसको सिर्फ स्वावलंबी बनने में थोड़ी सी सहायता की, आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की, सहायता की है उसकी। तो इसके लिए हमने सिर्फ उसका जो जो डाउन पेमेंट होता है उसके लिए उसकी थोड़ी सहायता की, और उसने कोई बताया है कि भाई आप मेहनत करोगे तो तुम करोगे, हम तुम्हारे साथ है, तुम इतना डरो मत। उसको मैं डर ज़्यादा था इस चीज़ का कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे लूंगा, और निश्चित है कि गरीब आदमी है, इतनी आसानी से उसकी कोई पहचान नहीं थी, पहचान के लिए पहले कहीं गया लेके गया था तो उसके पैसे डूब गए थे, तो इसलिए उसको मैं डर था, वो डर दूर करने के लिए उसके सिर पे थोड़ा सा हमने हाथ रखा है कि जिससे वो स्वावलंबी बन के अच्छा अपने परिवार को। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से आपने आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि उनका आत्मबल भी बढ़ाने का काम किया। और आज के दौर में कहीं ना कहीं कोविड वैश्विक महामारी के बाद में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं और जो लोग रोजगार कर भी पा रहे हो भी कठिन मेहनत कठिन परिश्रम से दो उनकी रोटी कमा भर पा रहे हैं। लेकिन आपके स्टाफ को जब आपने कहा कि इस तरह से एक बालक की मदद करना, तो किस तरह की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि पुलिस को तो एक अलग रूप में पहचाना जाता और यहाँ तो परोपकार करने की बात थी। देखिए ये इंदौर है, माँ अहिल्या की भूमि है, यहाँ पर जनता के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो जन सहयोग की संवेदनशीलता है। हाँ। कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता इंदौर में, ऐसा सो नहीं सकता कोई भी आदमी, कई चीज़ें देखते आते, तो यही पुलिस भी यहीं की है। हम लोग भी यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं का खा पी रहे हैं, यहीं का नमक खा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो भावना, तो हम ये देख रहे हैं कोविड से भी, जैसे आपने बताया कोविड में भी हमने यही किया था कि पूरा स्टाफ को हमने 4 हिस्से में बांट दिया था, और जहाँ पर जिसकी जो संभव होता था तो जनता के बीच में जाते थे, जनता के बीच में जाने के बाद में जब लगता था कि हाँ उनको इस चीज़ की आवश्यकता है तो फिर हम जो अपने स्तर पर प्रयत्न करते थे, सब चीज़ पुलिस नहीं करवा पाती, तो यहीं से जो जनता होती थी उनमें से कई लोग हमको फ़ोन लगा के बताते थे कि सर आपको अगर भोजन पैकेट की आवश्यकता है तो हमको बताइए, आपको कुछ अगर किसी को गैस सिलेंडर देना, तो मतलब सहायता करने के लिए तत्पर रहती जनता। तो सिर्फ हम एक सेतु का काम करते थे कि उसकी कुछ आवश्यकता है तो इधर से हम उसको करवा देते थे, तो ये करवा कर हमने जो जन सेवा उस टाइम पर की थी, हमारा सौभाग्य था। हाँ। मतलब कि आपदा के समय हम कुछ काम आ पाए, पर जो जनता के बीच संपर्क करने से जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग उस टाइम बनी थी, वही भावना अभी भी है पुलिस में, अभी भी विजयनगर थाना इंदौर पुलिस सब में यही भावना है कि जनता के साथ मिलकर किस प्रकार अपन और किसी की सहायता कर सकते हैं, यही भावना है और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये सब बात सही कही आपने कि पुलिस जो है जनता की सेवा समाज की सेवा जितनी कर सकती, मुझे लगता है कि और कोई विभाग डायरेक्टली उतना नहीं कर सकता जितना पुलिस बिल्कुल मौके पर पहुँच कर कर सकती, जनता के बीच में रह कर सकती। बच्चे के जो माता है उसके जो परिवार के अन्य 4 सदस्य माता समेत, किस तरह का आपको धन्यवाद मिला है उनकी तरफ से, किस तरह का आभार व्यक्त कर रहे हो? काफ़ी प्रसन्न थे, उनने भी उस बच्चे को यही बताया कि भाई आपकी वो हुई है तो आप अभी इसकी किस्त वगैरह और सब चीज़ समय पे करके अच्छा करें। उन्हें बहुत प्रसन्नता थी कि उसको जो उसकी माता है उसने बच्चे को बहुत प्रोत्साहित किया और वो भी बहुत प्रसन्न थी इसमें, वो भी चाहती थी कि वो मदद करे पर कर नहीं पा रही थी अपनी क्षमता के आधार पे, तो निश्चित ही वो भी बहुत प्रसन्न थे। बिल्कुल सही कहा, और अच्छा काम जब व्यक्ति करता है तो आत्मसंतुष्टि मिलती है, और यही आत्मसंतुष्टि का भाव जो है मुझे ऐसा लगता है कि विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी साहब के भीतर भी
दिखाई देता है। सब जब कभी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसकी जो नींद है वो काफ़ी सुकून भरी होती है, और कहीं ना कहीं यही आत्मसंतोष का एक प्रतीक भी होता है। आए दिन लगातार तहजीब काजी साहब इसी तरह जनता की सेवा करते, जन सेवा देशभक्ति के मूल मंत्र को सार्थक करते नजर आते हैं। इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम तहजीब काजी साहब के द्वारा किए गए हैं, और मुझे लगता है कि यह निरंतरता लगातार जारी रहेगी। सर, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, द प्राइम टॉक के भीतर आने वाले परोपकार कार्यक्रम में चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते।